और आई थिंक इसके अंदर ये चीज पाउडर था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बुलडक कार्बोनारा हॉट चिकन फ्लेवर रामीन। ये देखो वाओ। और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर व्लॉग्स। गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस इज कार्बोनारा बुलडक कार्बोनारा हॉट चिकन फ्लेवर रामीन। तो मैंने 2 पैकेट्स मंगाए हैं और आपको पता ही होगा दिस इज अ कोरियन रामीन, तो आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। तो गाइस आज मैं आपको ये बना के भी दिखाने वाली हूँ, टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ कि इंडियंस लोगों को इसकी टेस्ट पसंद आएगी भी या नहीं। और गाइस मैंने चॉपस्टिक्स भी ऑर्डर किए हैं ताकि मैं फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक यूज करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज करना है। पर हाँ, मैंने जितने भी कोरियन ड्रामा सी ड्रामा के ड्रामा देखे उसमें मैंने उन लोग को खाते हुए तो देखा है, तो मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया है और मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। और हाँ, ये मैंने मीशो पे से ऑर्डर किया है फिर रीजनेबल प्राइस में, तो ये लकड़ी की वुडन वाली चॉपस्टिक्स है, तो इसको भी ट्राई करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला एक्सपीरियंस। तो गाइस चलो ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइस, वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी दूंगी कि मुझे कैसा लगा ये रामीन, एकदम हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी बिकॉज ना अभी बाहर मस्त बारिश भी हो रही है और बारिश के टाइम पर रामीन खाने का मजा कुछ अलग ही होता है, बिकॉज मैंने ट्राई कर चुकी हूँ पर ये फ्लेवर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस चलो देखते। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब मैं खोल भी नहीं सकती हूँ, ये देखो। बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा है और गैलरी पूरी पानी से भर रही है और आप ये देख सकते हो कितना ग्रीनरी और कितनी मस्त बारिश हो रही है। ऐसे बारिश में रामीन खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलो अब हम बनाते हैं रामीन, पर आप ये भी व्यू एंजॉय करो। यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बुलडक कार्बोनारा हॉट चिकन फ्लेवर रामीन। यार बाउल छोटा क्यों गिर जाता है, बहुत छोटा बाउल गिर गया ये इसके लिए। तो अभी हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा पकने देने का है। अब मैं इसको बराबर अच्छे से पिघला लूंगी जैसा मैगी को होते, बर्तन छोटा गिर गया पर कोई बात नहीं। अब इसको आपको अच्छे से पका के लेना है, फिर इसके अंदर हम लोग सॉसेस डालेंगे। तो गाइस इसके अंदर उबाल जो है वो आ चुका है और ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसके अंदर का जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी उसको निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा ही पानी रखेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना और थोड़ा सा स्मूथ रहे। इसके साथ आपको 2 पैकेट्स मिलते हैं, तो एक में रेड कलर का जो पैकेट है उसमें सॉसेस है रेड कलर का और एक में ना चीज पाउडर समथिंग कुछ है। तो गाइस अब हम इसे इसमें डाल देंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये डालने वाले हैं, तो गाइस मैं इसे अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हमारा रामीन जो है वो तैयार हो चुका है और आई थिंक इसके अंदर ये चीज पाउडर था। तो देखते हैं, मुझे थोड़ी सी मीठी और स्पाइसी खुशबू आ रही है और दिस इज माय न्यू चॉपस्टिक। तो चलो अब हम इसे ट्राई करते हैं कि ये कैसा लगता है।
होके बैठ चुकी हूँ और यहाँ पे हमारा रामेन भी तैयार है। तो सबसे पहले मेरे पास ये चॉपस्टिक है, तो मैं इसको जब अपने राइट हैंड से ट्राई कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जम रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं जम रहा है। पर वही अगर मैं सेम चीज़ लेफ्ट हैंड से मैं अगर करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से जम रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से हैंड से हूँ। तो चलो इसी हाथ से खाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है एंड देन इस तरीके से कुछ खाना है आई थिंक, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं कैसा है। ये ना जब आप इसे खा रहे हो तब ये स्पाइसी नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये कुछ थोड़ा सा अपना इप्पी वाला नूडल्स है ना, हमारे इप्पी मैगी, उसके जैसा थोड़ा बहुत फ्लेवर है इसका, और इंडियन लोगों को इसका टेस्ट पसंद आएगा। तो मैं फिर से खा के देखती हूँ। जो लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते उनके लिए ये परफेक्ट रामेन है, पर थोड़ा बहुत तो स्पाइसी है, पर वो स्पाइसीनेस भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया है। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा होगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपीरियंस कुछ इतना खास नहीं रहा है जब मैंने दूसरे रामेन ट्राई किए तब। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं फर्स्ट टाइम रामेन खा रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम मैं चॉपस्टिक्स यूज करके कुछ खा रही हूँ और मैं इतने अच्छे तरीके से खा पा रही हूँ। ये सब के ड्रामा का कमाल है, देख देख के ही सीख गई। इसका चीज, इसके अंदर चीज पाउडर भी है, इसके लिए इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा है, पर खाने के बाद तीखा लग रहा है, पर इतना भी तीखा नहीं लग रहा है कि आप हा 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 करने लग जाए। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और इसका टेस्ट सिमिलर है थोड़ा बहुत, तो ना ऐसे समझ लो 70% ये यिप्पी मैगी जो है ना उसके साथ ये मैच करता है। आप इसके साथ आपके फेवरेट थिंग्स भी खा सकते हो जो चाहिए वो, पर मैं प्लेन रामेन खाना चाहती थी क्योंकि इसका मुझे टेस्ट देखना था। तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा मेरे दो पैकेट्स बन रहा, मुझे डर लग रहा था अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो मेरा जो सेकेंड पैकेट है वो वेस्ट हो जाएगा, पर अच्छा है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और डिलीशियस है। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, आप देख रहे हो मैंने बिना किसी कट लगाई से खाई और ऊपर मैंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है। तो अब इसे डेफिनेटली खा सकते हो और मैं बहुत ही ज्यादा चूजी हूँ कि मुझे ना बहुत ही लिमिटेड फ्लेवर ही पसंद आते हैं और आपको पता है इंडियन लोगों का टेस्ट कैसा होता है, जल्दी बाहर की कुछ यूनिक ट्राई कर रहे तो वो जल्दी पसंद नहीं आता है, पर ये मुझे पसंद है। आप बेझिझक आग बंद करके इसे ट्राई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं, दिस इज अ नॉन वेजिटेरियन और इसी के साथ, और अगर आप वेजिटेरियन है तो प्लीज इसे मत मंगाना क्योंकि बिकॉज पैकेट के ऊपर रेड मार्क है और इसका जो सॉस रहता है ना वो नॉन वेजिटेरियन होता है। और इसी के साथ आप इसका वेजिटेरियन फ्लेवर भी मंगा सकते हो, मैंने खुद मेशो पे देखा और उसके काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी मैंने देखे है। अगर मुझे वो मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली उसका कोड मैं दे दूंगी, इसका भी और वेजिटेरियन का भी, तो आप वेजिटेरियन भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने सोचा था कि वेजिटेरियन वाले का भी काफी ज्यादा अच्छा
फ्लेवर है क्योंकि काफी सारे वेजिटेरियन लोगों ने अच्छा अच्छा रिव्यू उसके ऊपर देके रखा था। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और मेरे प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आई एम रियली सॉरी कि मैंने काफी लेट आपके साथ ये वीडियो शेयर की हूँ। तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आए। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अलग अलग रामीन्स आपके साथ ट्राई करूँ तो आपको कमेंट में लिखना है पार्ट टू। तो पार्ट टू में मैं दूसरा वाला रामीन लेके आऊंगी। तो आपको सारे कमेंट में लिखना है पार्ट टू और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आने वाले वीडियोस में मैं सबको शॉर्ट आउट भी दूंगी। तो इसलिए कहती हूँ जो जो जल्दी जल्दी अगर कमेंट करते हैं तो आपका मेरे आने वाले वीडियोस में नेम जरूर मैं लूंगी। तो चलो सबसे पहले इसे फटाफट मैं खा लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये रहा बाउल, ये देखो गाइस मैंने पूरा रामेन खा लिया है और मेरे भाई ने भी टेस्ट किया, उसको भी काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब ये आप लोग खा सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। ये देखो वाव, अंधेरा हो गया है, रात के 8 बज रहे हैं। आप खुद देखो कितने बज रहे हैं, 8 बजने पे है और आप ये बादल देख सकते हो। So beautiful. इसलिए मुंबई के घरों में बालकनी होती है ये व्यूज देखने के लिए। इतना खूबसूरत बादल मैंने अपने लाइफ में आज पहली बार ही देखा होगा, इतने डार्क नीला वाला बादल, काले बादल छाए हुए पूरे और उसमें जो ऑरेंज कलर का टिंट आ रहा है ना, क्या ही लग रही है। देखो आप खुद देखो, पर्पल, नीला, डार्क ब्लू, स्लाइट ब्लू सब मिक्स है और रात हो गई है। दिस इज अ नाइट व्यू और इतना शानदार है। मैं थोड़ा रिस्क लेके आपको बाहर से, आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी। आई होप आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और इंजॉयमेंट भी आपको लगा होगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों ने क्या रामेन ट्राई करके रखा है और ट्राई किया तो कौन सा रामेन ट्राई किया तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस प्लीज यार बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो प्लीज यार प्लीज सपोर्ट करो, प्यार करो जैसा मेरा मेन चैनल को करते हो इंडियन ग्लैमर को, तो वैसे ही इस चैनल ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप नेक्स्ट वाली वीडियो रामेन के ऊपर चाहते हो या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।